वेस्टइंडीज विश्व क्रिकेट का एकमात्र ऐसा नाम जो एक से ज्यादा देशों को रिप्रेजेंट करता है। वेस्टइंडीज ने विश्व क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट में अपने इतिहास का सबसे खूंखार पेस अटैक दिया था। साथ ही क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में इसके पास एक से बढ़कर एक शानदार बल्लेबाज भी रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में वर्षों तक अपनी धाक जमाने वाली वेस्टइंडीज क्रिकेट वनडे में अपनी ख्याति के मुताबिक कभी नजर नहीं आई, और फिर T20 क्रिकेट में वेस्टइंडीज क्रिकेट की शाख को एक बार फिर स्थापित करने में बल्लेबाज और गेंदबाजों से ज्यादा ऑलराउंडर्स की भूमिका ज्यादा रही थी। इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जिन्होंने अपने देश को फिर से विश्व क्रिकेट के बराबर लाकर खड़ा कर दिया था, और एक ऐसे ही चैंपियन क्रिकेटर का नाम डेन ब्रावो है। तो आज के इस वीडियो में हम डेन ब्रावो के बारे में बात करने वाले हैं। डेन जोन ब्रावो का जन्म 7 अक्टूबर साल 1983 को त्रिनिदाद एंड टोबैगो के सेंटा क्रूज कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम जोन ब्रावो और मां का नाम जसलीन ब्रावो है। डेरेन ब्रावो उनके सौतेले भाई हैं, और इसके अलावा डेन ब्रावो की 4 बहनें भी हैं। अरंगवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपनी पढ़ाई करने वाले ब्रावो को अपने स्कूली दिनों में क्रिकेट के अलावा बहुत से खेलों में रुचि थी, लेकिन समय के साथ उनका ध्यान सिर्फ क्रिकेट पर केंद्रित होने लगा था, जिसका सबसे बड़ा कारण ब्रायन लारा थे। ब्रावो बताते हैं कि जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उन्हें यह बात मनोरंजित करती थी कि ब्रायन लारा और वो एक ही गांव से संबंध रखते हैं। यहां तक कि ब्रायन लारा का घर ब्रावो के घर से कुछ ही मिनटों की दूरी पर था। ब्रावो बताते हैं कि जब क्रिकेट के खेल को वे सीरियसली लेने लगे तब विश्व क्रिकेट ब्रायन लारा के रिकॉर्ड्स और कारनामों से रोशन हो रहा था, और वेस्टइंडीज क्रिकेट अपनी धरती पर दूसरे लारा की तलाश कर रही थी। ऐसे में ब्रावो लारा की तरह खेलने की कोशिश किया करते थे और उनके जैसा बनने की कोशिश में लग गए। यहां से ब्रावो के मन में क्रिकेट के प्रति प्यार बढ़ा, और फिर एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने इस खेल में अपने हुनर और वजूद को तलाशना शुरू कर दिया और खुद को एक ऑलराउंडर की हैसियत से निखारने लगे। इंटरनेट पर मिली जानकारियों की माने तो ब्रावो और लारा में एक अलग और घनिष्ठ संबंध भी है। लारा की माँ डेरेन ब्रावो के दादाजी की बहन है, और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि डेरेन ब्रावो डेन ब्रावो के भाई हैं, तो इस तरह से लारा डेन के घर से भी संबंध रखते हैं। लारा को देखकर एक खेल से हुआ प्यार आगे बढ़ा, और ब्रावो धीरे धीरे अपने देश को अंडर एज ग्रुप में रिप्रेजेंट करने लगे। अंडर 15 में ब्रावो ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो के लिए क्रिकेट खेला, जिसके बाद इनका पदार्पण छोटी उम्र में ही डोमेस्टिक क्रिकेट में हो गया था। साल 2002 में ब्रावो ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो के लिए खेलते हुए बारबाडोस के खिलाफ अपना डोमेस्टिक क्रिकेट डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी में ओपनिंग करते हुए 15 और 16 रन बनाए थे। अपने डोमेस्टिक क्रिकेट डेब्यू से एक महीने बाद ब्रावो ने अपना पहला शतक भी लगा दिया था। बल्ले से ब्रावो ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो के लिए आगे कई मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके बाद विंडवार्ड आइसलैंड के खिलाफ खेलते हुए 11 रन देकर 6 विकेट लिए और अपनी ऑलराउंड प्रतिभा को भी सबके सामने रख दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का परिणाम यह हुआ कि महज कुछ ही महीनों में ब्रावो को वेस्टइंडीज की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल होने का मौका मिल गया। ब्रावो ने 18 अप्रैल 2004 के दिन इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए अपना वनडे डेब्यू किया। इस मैच में ब्रावो ने 31 रन देकर 2 विकेट लेकर अपना डेब्यू यादगार बना दिया था। 22 जुलाई साल 2004 वो दिन रहा जब वनडे क्रिकेट में ब्रावो के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट मैच में टीम में शामिल किया गया था। लॉर्ड्स स्टेडियम पर ब्रावो पहली बार वेस्टइंडीज की सफेद जर्सी में उतरे और पहली पारी में 44 रन बनाए थे। इस टेस्ट सीरीज के दौरान हर मैच में ब्रावो का प्रदर्शन शानदार रहा और 16 विकेट के साथ यह खिलाड़ी सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी रहे। इस सीरीज के दौरान ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर हुए मैच के दौरान ब्रावो ने 55 रन देकर 6 विकेट लिए थे, जो आज भी इनका टेस्ट क्रिकेट में सबसे अच्छा गेंदबाजी प्रदर्शन है। साल 2005 में साउथ अफ्रीकी टीम ने वेस्टइंडीज का दौरा किया और टेस्ट सीरीज के एंटीगुआ टेस्ट में ब्रावो ने अपना पहला टेस्ट शतक लगाकर एक बार फिर अपनी बैटिंग का शानदार नमूना पेश किया। लेकिन इस टेस्ट के दौरान जब साउथ अफ्रीका के ग्रेम स्मिथ ने ब्रावो पर रेसिस्ट कमेंट किया तो इस घटना ने मैच के हर प्रदर्शन पर पर्दा डाल दिया था। इसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के आखिरी 2 टेस्ट मैचों में भी ब्रावो का प्रदर्शन शानदार रहा। सीरीज के दूसरे मैच में अपने देश को सही स्थिति में लाने के लिए खेल रहे ब्रावो ने शानदार 113 रन बनाए थे, जिसके बाद आखिरी टेस्ट मैच में इन्होंने अपनी गेंदबाजी की धार का भी बढ़िया प्रदर्शन किया और 6 विकेट अपने नाम किए थे। इसके बाद ब्रावो कुछ समय तक चोट से भी परेशान रहे, लेकिन उस मुश्किल समय में वेस्टइंडीज क्रिकेट का अपने इस खिलाड़ी पर भरोसा ब्रावो के हुनर को जगजाहिर करती है। कुछ ही समय पहले इंजरी से लौटे ब्रावो को वेस्टइंडीज क्रिकेट द्वारा साल 2006 में आयोजित हुई ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम में शामिल किया गया था, जहां इस बल्लेबाज ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाते हुए 112 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी, जिसमें क्रिस गेल के साथ इनके 174 रनों की साझेदारी भी शामिल थी। 9 जून साल 2007 के दिन यह खिलाड़ी अपनी टीम के लिए दिनेश रामदीन की जगह विकेट कीपर के तौर पर भी नजर आया था। साथ ही ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर खेले जाने वाले मैच में ब्रावो ने शानदार बाउंसर गेंद से इंग्लैंड के केविन पीटरसन को हिट विकेट आउट किया था। साल 2007 में आयोजित हुई क्रिकेट वर्ल्ड कप में ब्रावो का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसी इनसे उम्मीद की जा रही थी। इस वर्ल्ड कप में ब्रावो ने
जहां अपनी टीम के लिए बल्लों से 129 रन बनाए तो अपनी गेंदबाजी से 13 विकेट भी लिए थे। साल 2011 वर्ल्ड कप में ब्रावो को अपने घुटनों की इंजरी के चलते बीच टूर्नामेंट में अपनी टीम से बाहर होना पड़ा था, लेकिन इससे ब्रावो के प्रदर्शन और जज्बे में कोई कमी नहीं आई थी। ब्रावो ने अगले साल T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया और सिर्फ अपनी बल्लेबाजी प्रदर्शन से वेस्टइंडीज को चैंपियन बनाया था। अपने शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी ब्रावो को 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुए विश्व कप में टीम से बाहर रहना पड़ा था, जिसका असर इस विश्व कप में वेस्टइंडीज के प्रदर्शन पर भी देखने को मिला था, जहां टीम अपने मैच में एक ऑलराउंडर की कमी से जूझती नजर आई थी। यही कारण रहा कि जब साल 2016 में T20 विश्व कप का आयोजन हुआ तो ब्रावो को टीम में शामिल किया गया और उनकी डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन वेस्टइंडीज के विश्व चैंपियन बनने में मददगार साबित हुई थी। 31 जनवरी साल 2015 के दिन ब्रावो ने शॉर्ट फॉर्मेट में अपने प्रदर्शन को लगातार बेहतरीन करने के लिए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, जिसके बाद साल 2018 वह समय रहा जब इस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बाकी फॉर्मेट से भी संन्यास की घोषणा कर दी थी। लेकिन ब्रावो जैसा खिलाड़ी अपनी टीम की जरूरत को नजरअंदाज नहीं कर सकता था और यही वजह रही कि अगले साल ब्रावो ने अपने रिटायरमेंट से वापस आए, जिसकी मुख्य वजह आगे आने वाला T20 वर्ल्ड कप था। 2021 T20 वर्ल्ड कप में ब्रावो ने अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया और फिर उसी साल नवंबर के महीने में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को हमेशा के लिए छोड़ दिया और फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना जारी रखा। बात करें इस खिलाड़ी के आईपीएल करियर की तो ब्रावो ने अपनी शुरुआत मुंबई की तरफ से खेलते हुए की थी और शुरुआती 3 सालों में खिलाड़ी इसी टीम के साथ जोड़ा रहा था। आईपीएल का पहला सीजन जब शुरू हुआ था तो उसके बीच वेस्टइंडीज को अपनी धरती पर एक मैच ऑस्ट्रेलिया से खेलना था, लेकिन आईपीएल शेड्यूल को देखते हुए ब्रावो का उस मैच के लिए पहुंच पाना मुश्किल था। ऐसे में मुकेश अंबानी ने ब्रावो की मदद की और उस मैच से पहले ब्रावो को मैदान तक पहुंचाने और वापस आईपीएल के लिए भारत लाने के लिए अपना प्राइवेट जेट को समय के लिए इस्तेमाल के लिए दे दिया था और इस तरह ब्रावो को कोई भी मैच इस क्लैश की वजह से नहीं छोड़ना पड़ा था। मुंबई के लिए खेलते समय ब्रावो ने साल 2010 में कोलकाता के खिलाफ अपनी टीम को भी लीड किया था, जिसके बाद चौथे सीजन में इन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया था और इस टीम में रहते हुए ब्रावो 2 बार पर्पल कैप विनर भी रहे। साल 2022 आईपीएल सीजन के लिए ब्रावो को एक बार फिर चेन्नई ने अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है। ब्रावो विश्व क्रिकेट के उन गिने चुने क्रिकेट खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें भारत में अपने देश के जितना ही प्यार मिलता है और इसका सबूत है ब्रावो के गीत चैंपियन की भारत में पॉपुलरिटी, जो रिलीज होती विश्व भर में चार्ट डस्टर बन गया था। इसके अलावा अभी कहा जा रहा है कि ब्रावो उला नाम की एक तमिल फिल्म में भी कैमियो भूमिका निभाने वाले हैं। ब्रावो अपने क्रिकेट करियर के दौरान कुछ कंट्रोवर्सीज का भी हिस्सा रहे हैं, जिसमें साल 2015 में वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड से अपनी फीस को लेकर हुए विवाद के चलते इन्हें वर्ल्ड कप टीम से अपना स्थान भी गंवाना पड़ा था। बात करें ब्रावो के अंतरराष्ट्रीय करियर की तो ब्रावो ने 40 टेस्ट, 164 वनडे और 91 T20 मैच खेले हैं, जिनमें इनके रनों का आंकड़ा क्रमशः 2200, 2968 और 1255 है। वनडे में इनके नाम 199 विकेट, टेस्ट में 76 और T20 में 78 है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।